काशीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कामाख्या वरदा देवी नील पर्वत वासिनी टंग देवी जगन्न माता योनि मुद्रा नमोस्ते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रियम काम न देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। माँ कामाख्या जो 51 शक्तिपीठ है, जो अलग अलग स्थानों पर है, उसमें शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली और तंत्र पीठों में सबसे महत्वपूर्ण तंत्र पीठ माना जाता है। कामाख्या मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर दशों महाविद्या की पूजा भी होती है और कामाख्या को तंत्र क्षेत्र बोला जाता है। तंत्र क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में ही तंत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। मैंने पहले भी जब साबर मंत्र के बारे में बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब महादेव जी ने मंत्रों को किल्लित किया तो दो मंत्र किल्लित नहीं हुए थे, एक था साबर और दूसरा स्त्री तंत्र। स्त्री तंत्र का जो मूल है वो कामाख्या है। तो क्योंकि कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही थी और कामाख्या का मंत्र मैंने बहुत दिन पहले बोला था आप लोगों को दूंगा, इस प्रयोजन से आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। तैयारी क्या क्या करनी है आप लोगों को, कामाख्या यंत्र भी आप लोगों के स्क्रीन पे दिखा, ठीक है। आप लोगों को उस कामाख्या यंत्र को बना लेना है। बहुत ही सिंपल सा यंत्र होता है कामाख्या का। एक सर्कल बनाते हैं, बीच में एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें त्रिम लिखते हैं, जो कामाख्या का बीज है, ठीक है। इसको भोजपत्र पे बना के इसको सामने रख लेंगे। और इसको बनाना किस चीज़ से है, जनरली जो यंत्र हम बनाते हैं कामाख्या, मतलब किसी भी भगवती का, तो इसको सिंदूर या कुमकुम से बनाते हैं, लेकिन कामाख्या यंत्र जब भी आप बनाइएगा तो सिंदूर से ही बनाइएगा। केसर, चंदन, ये सब का प्रयोग नहीं होगा, सिंदूर से इस यंत्र को बनाइएगा। इसको सामने स्थापित कीजिएगा और जितना कुछ आपको भगवती को अर्पित करना है, जो 5 चीज़ों से पूजा का विधान मैंने बता रखा है, मतलब फूल अर्पित करना है भगवती को, नैवेद्य अर्पित करना है, उसके बाद जल अर्पित करना है, गंध अर्पित करना है और दीप अर्पित करना है। तो ये सब जो आप करेंगे ये इस यंत्र पे ना करके सबसे पहले भगवती का आवाहन एक पुष्प पे करेंगे और पुष्प पे आप जल देंगे, नैवेद्य, दीपक सब दिखाएंगे, ठीक है। दीपक आप यंत्र को भी दिखा सकते हैं, ठीक। 9 दिन तक, जो अभी जो नवरात्र आएगी या फिर किसी भी 9 दिन, आप किसी शनिवार से शुरू करके इस पूजा को आप कर सकते हैं। देखो, इस पूजा से बहुत तरीके का लाभ है। एक तो ये कामाख्या तंत्र में पहला आपका स्टेपिंग स्टोन होता है, दूसरा ये सुरक्षा देता है, तीसरा क्योंकि महामाया के योनि से निकला तंत्र है इसलिए ये महामाया का फल देता है, यानी कि आपको समृद्ध बनाता है, ठीक है। जिसको संतान नहीं होता है उसको भी ये साधना करनी चाहिए। देखो, जो अलग अलग फल की प्राप्ति होती है अलग अलग साधनाओं से, वो इसलिए होती है क्योंकि आप जब संकल्प कर रहे होते हो तो आप संकल्प में बताते हो कि इस निमित्त मैं ये साधना कर रहा हूँ, ठीक है। तो यंत्र बना लिया, उसका 5 पूजा कर लिया और उसके बाद उसके सामने जाप करेंगे, रोज 9 माले का जाप, ठीक है। तो मंत्र क्या है, मंत्र मैं बोल रहा हूँ 3 बार, इसको आप लोग ध्यान से सुन के लिख लीजिए। क्रिम 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 हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम कामाख्ये प्रसीद। क्रिम 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 हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम स्वाहा। फिर से सुनिए, क्रिम 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 हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम कामाख्ये प्रसीद। क्रिम 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 हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम स्वाहा। क्रिम 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 हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम कामाख्ये प्रसीद। क्रिम 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 हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम स्वाहा। जो मंत्र मैंने 3 बार बोला उसमें एक त्रुटि की है, जो दूसरा बार मैंने क्रिम 3 बार बोला है उसमें आपको क्रीम सिर्फ 2 बार पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसका आप जब दशांश हवन करेंगे तो वो नौमी की रात्रि को भी कर सकते हैं और दशमी की सुबह को भी कर सकते हैं। तिल, लौंग और गूगल मिला करके उसमें शुद्ध घी मिलाइएगा और फिर बिना गांठ वाला जो आम का लकड़ी होगा उस पर 9 लकड़ियों का त्रिभुज बना करके और उसके बीच में हवन को करना है, ठीक है। तो ये इसका पूर्ण व्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद रोज़ इसका 1 माला जाप कीजिएगा तो जीवन में हमेशा माँ कामाख्या की आपको कृपा मिलती रहेगी, इधर उधर कहीं भागने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी मंत्र में कंसिस्टेंट होने से उसका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि 9 दिन में किया और एकदम भगवती प्रत्यक्ष होकर सब देने लगी। किसी चीज़ को आप तक पहुँचने के लिए समय चाहिए होता है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है जैसे आसन, बंधन और भैरव साधना, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantra.xyz इस पर लॉगिन कीजिए, इस पर आपको मेरा अपॉइंटमेंट सेक्शन मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है तभी व्हाट्सअप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। माँ कामाख्या आप लोगों की कृपा बरसाती रहे ऐसे मेरी प्रार्थना है उनसे। आप सभी को आदेश आदेश, अलाख आदेश।